सचिव आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें यह उस व्यक्ति का परिवार है जो कि कुछ समय पहले नोएडा में कैंसर की दवा लेने के लिए गया हुआ था। वहाँ से आने के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली और प्रशासन ने उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। उस परिवार के 27 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आज 10 लोगों की पॉजिटिव आई है। उनको हालांकि कोविड हॉस्पिटल में मुड़सान में रेफर कर दिया गया है। इस समय हम शासकीय गेट पर खड़े हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि लोग सुबह मार्केट में इस कदर आते हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग लगातार ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। पब्लिक एक दूसरे को चढ़ रही है, सामान ले रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो यहाँ किसी भी दुकान को आप देख लीजिए, हर दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। लोग बिल्कुल माने नहीं है, जबकि इस समय हाथस में जो कोरोना पेशेंटों की संख्या है वो 15 हो चुकी है। जो एक्टिव केस हैं 15 हो चुके हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण की संख्या थी वो 19 थी, जिसमें 4 जमाती थे जो सही होकर अपने घर जा चुके हैं। फिलहाल एक्टिव केसों की संख्या 15 हो चुकी है। अगर ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाएंगे और घरों से बाहर निकलेंगे तो ये कोरोना जो वायरस है ये लगातार फैलता रहेगा, इस पर कोई भी रोकथाम नहीं हो पाएगी। उमाकांत कुंडीर के न्यूज़ हाथरस।